मॉनसून की शुरुआत में ही मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो चुका है। लोग घरों में कैद होकर रह गए, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और यह हाल है देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई का। कल रात से लेकर आज सुबह तक इतनी बारिश हुई है कि मानो मुंबई डूब सी गई। शहर के उन इलाकों में पानी भरा है जो तथाकथित तौर पर पॉश कहलाते हैं। ये मुंबई में मॉनसून की पहली धुआंधार बारिश है। अभी पूरा मॉनसून बाकी है तो मुंबई में सिस्टम कैसे पानी में डूब गया, आप देखिए कुदरत के कर्फ्यू की यह कवर स्टोरी। मुंबई जिसे देश की आर्थिक राजधानी का तमगा हासिल है, लेकिन फिलहाल यही मुंबई आसमानी आफत के आगे घुटने टेकने को मजबूर है। बारिश हर साल आती है, लेकिन मुंबई के हालात ठीक होने के बजाय और भी बदतर हो जाते हैं। सरकारी इंतजाम औंधे मुंह गिर जाते हैं। कुदरत के दंड के आगे सरकारी दावे दम तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवी मुंबई से आई इन तस्वीरों से आप समझ जाएंगे कि आखिर हालात कितने खराब हो चले हैं। बसें पानी में डूब चुकी हैं, कारें कागज की नाव की तरह लहरों में गोते खा रही हैं। मुंबई के मलाड के अंडर पास में पानी भर जाने से कई गाड़ियां फंस गईं। हालात इतने बदतर हो गए कि वाहनों की आवाजाही ही ठप पड़ गई। मुंबई के वडाला इलाके में रास्ते पर पानी भर गया है। रोड के पास ही वडाला रेलवे स्टेशन है, इसी वजह से यहाँ आने जाने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। ये पीडी मिलो रोड है और वडाला स्टेशन के पास का इलाका है और यहाँ पर जल जमा हो चुका है। ये इलाका हमेशा से ही बरसात के मामले में बेहद ही डेंजरस इलाका है। ये लो लाइन इलाका है और इसी के चलते यहाँ पर पानी भर जाता है। बगल में ही वडाला रेलवे स्टेशन है। सायन स्टेशन का हाल भी कमोबेश ऐसा ही है। ट्रैक पर पानी भर गया है, कई गाड़ियाँ खराब हो गई हैं, दुकानों में पानी भरा है, ट्रैफिक जाम से लोगों के सब्र का बांध भी अब टूटने लगा है। मुंबई के सायन रेलवे स्टेशन के पास कुर्ला सायन लिंक रोड पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मुख्य सड़क की है और ये सीधे जो है आगे सीएसटी की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ पर सड़क पर इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि कई लोगों की गाड़ियां खराब हो गई हैं। जो एम्बुलेंस है उसको जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, पर्याय का रास्ता ढूंढना पड़ रहा है। दूसरी अगर सड़क की दूसरी तरफ की अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर जो दुकानें हैं इन दुकानों में भी पानी भर जाता है। तस्वीरें तिलक नगर इलाके की हैं। भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया, रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए जिससे ट्रेन यातायात प्रभावित हुआ। हम यहाँ पर मुंबई के हार्बर लाइन के तिलक नगर स्टेशन पर मौजूद है। तिलक नगर से आगे जो चूनाभट्टी और कुर्ला का इलाका है वो निचले स्तर का होने के कारण वहाँ अक्सर पानी भरा जाता है और इसी वजह से जो रेलवे लाइन थी दोनों तरफ की सेंट्रल और हार्बर जो पूरी तरह से ठप हो गई थी, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुकी है। मुंबई के किंग सर्कल के हालात भी कुछ ठीक नहीं। भारी बारिश से हाईवे पर पानी भर गया, कई गाड़ियां फंस गईं जिससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सायन किंग सर्कल पर और यहाँ पर स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएमसी की टीम पंप लेकर पहुंची है, पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको यह सड़क नहीं दिखाई देगी, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सबसे तकलीफदायक ये कि यहाँ पर बीच में एक ट्रक भी खराब हो गई है, यानी कि पहले से ही गाड़ियों की आवाजाही के लिए रास्ता नहीं है क्योंकि सड़कों पर पानी है। और आपको हासिल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रक है वो बीच में ही खराब हो गई है। ट्रैफिक इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, 3 किलोमीटर लंबा ये पूरा पीछे ट्रैफिक है। बीएमसी की जो टीम है वो यहाँ पर पंप लेकर आई है, कोशिश की जा रही है कि पानी को निकाला जाए, लेकिन आपको मैं एक और तस्वीर दिखाऊंगी कि यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं सीवेज पानी निकालने के लिए जगह है इसमें ऑलरेडी कचरा भरा हुआ है और उस कचरे को साफ नहीं किया गया है जिसके चलते पानी यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा। यहाँ पर अगर आपको मैं तस्वीर क्लोजली दिखाऊँ तो 2 फीट से ज्यादा के करीब आगे पानी भरा है। मुंबई के विले पार्ले में भी भारी बारिश की वजह से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक स्लो हो गया। लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश से समंदर की लहरें भी उफान मार रही। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर बारिश लगातार होती रही तो हाई टाइड की भी आशंका है, लिहाजा लोगों को समंदर के किनारे न जाने की सलाह दी गई है। बीती रात 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के बीच मुंबई में 300 mm की भारी बारिश हुई। आप देख सकते हैं हम इस वक्त मुंबई के वर्सोवा इलाके में हैं। ये वर्सोवा इलाके की तस्वीर है, समुद्र किनारा है और समुद्र किनारे पर देखिए किस प्रकार से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। भारी बारिश और धुंधले तस्वीर नजर आ रही है, लो विजिबिलिटी है।
मुंबई के समुद्री किनारों की तरफ लोग ना आए, इसके लिए प्रशासन ने लोगों को साफ हिदायत दी है कि समुद्र के किनारे पर लोग ना पहुंचे। महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के कुछ जवानों को भी तैनात किया गया है, उन्हें सूचना दिया गया है कि लोगों को रोका जाए कि वो समुद्र के किनारे पर ना पहुंचे। आप देखिए जो लोग भी आ रहे हैं यहां से लौट कर जा रहे हैं, पीले कपड़े में आपको जो लोग नजर आएंगे वो महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं, जो कि लोगों को इस एंट्री गेट के पास ही रोक दे रहे हैं। शाहपुर के वाशिंद इलाके में उस वक्त हालात खराब हो गए जब नदी के किनारे एक फार्म हाउस में 150 से ज्यादा पर्यटक फंस गए। लोग यहां वीकेंड में छुट्टी मनाने गए थे, बारिश का पानी फार्म हाउस में घुस आया। फिलहाल खबर मिली है कि सभी पर्यटकों को एसडीआरएफ ने सकुशल बचा लिया है। मुंबई की बारिश पर अब सियासत भी शुरू है। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया है कि सरकार ढिलाई बरत रही, जिससे जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार की मानसिकता ये भ्रष्टाचार की थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करने की थी, और उसी का परिणाम आज मुंबई में, मुंबई उपमहानगर में जनता भुगत रही है, और सरकार का ये पूरा फेलियर है और सरकार का पाप है। उधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों के साथ बारिश और जलभराव की समस्या पर समीक्षा बैठक की। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन अधिकारी, सेना, नौसेना और वायुसेना को अलर्ट पर रहने को कहा है। बहरहाल कभी न थमने वाली मुंबई भारी बारिश की वजह से ठहरी हुई है। स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। सीएम ने अपील की है कि लोगों को जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की हिदायत दी। मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट भी जारी कर दिया गया, तो मुंबई में भारी बारिश और हाई टाइड, इस वजह से तट रक्षक बल तैनात कर दिए गए हैं। तो मुंबई में हिंद माता से कृष्णा ठाकुर हमारे साथ हैं, सीएसटी से नम्रता दुबे भी हैं, उनके पास आपको लिए चलेंगे। और देखिए शाम का जो वक्त होता है मुंबई में, वैसे ही यहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक का दबाव होता है, लेकिन बारिश की वजह से आप देखिए क्या हाल है। गाड़ियां बिल्कुल रेंग रही हैं धीमी रफ्तार में, यानी मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक। ये एक लेन जो आप देख रहे हैं उस पर आप देख पा रहे होंगे हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। कई जगह पर रेलवे ट्रैक पर भी पानी होने की सूचना मिल रही है। नम्रता हमारे साथ मौजूद हैं सीएसटी से। नम्रता, वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, वहां पर क्या देख पा रही हैं आप? मुंबईकरों को लगा कि उनको राहत मिलेगी, लेकिन पिछले आधे घंटे से तेज बरसात यहां पर जारी है और ऐसे में ट्रैफिक पर फिर से बहुत बड़ा असर पड़ा है। इसके साथ ही अगर सीएसटी स्टेशन की बात करें तो जो स्लो ट्रेन है वो चल रही है, फास्ट ट्रेन अभी भी 15 से 20 मिनट की देरी पर है। और यहां पर बीएमसी के मुख्यालय में कुछ देर पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे थे, कंट्रोल रूम में जाकर उन्होंने बीएमसी के अधिकारियों से बात की। उन्होंने बताया कि 200 से ज्यादा पंप जो है वो रेलवे स्टेशन के पास और 400 से ज्यादा पंप जो है वो बीएमसी के तमाम वार्ड में लगाए गए हैं, ताकि सड़कों पर जो जल भराव हो उसकी स्थिति ना उत्पन्न हो। ऐसे में फिर देर रात जो है हाई टाइड का अलर्ट दिया गया है, यानी कि अब अगर बरसात चलती है तो ये रात तक चलेगी और उसके बाद फिर से मुंबई जो है वो डूब जाएगी, जैसी स्थिति हमने सुबह देखी। अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो यहां पर सड़कों पर जो है गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, क्योंकि बरसात एक बार फिर से तेज शुरू हो गई। अगर आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगाइए कि बरसात जो है वो बहुत तेज है, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन ये तस्वीर जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं मुंबई में, ये बांद्रा इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं लंबा जाम लगा हुआ है। ये गाड़ियों का पूरा सिलसिला, एक के पीछे एक गाड़ी लगी हुई, और ऐसा लग रहा है कि मानो ये गाड़ियां रेंग रही हैं, यानी मुंबईकर जहां तहां अभी फंसे हुए हैं। जी नम्रता, अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, मैं आपको वही तस्वीर दिखा रही हूँ कि ये सीएसटी स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हैं। अधिकतर लोग अपने दफ्तर पहुंच नहीं पाए, लेकिन शाम को जो घर जाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल भरा है, क्योंकि लोकल ट्रेन जो है वो सिर्फ स्लो ट्रैक चल रहा है, फास्ट ट्रेन चल नहीं रही है, सड़कों पर पानी फिर से भर रहा है, यानी कि ट्रैफिक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में 24 घंटे अलर्ट मोड पर आने के लिए सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है बीएमसी के अधिकारियों को, लेकिन अगर निचले इलाकों में जलभराव फिर होता है तो फिर से जो है बीएमसी के अधिकारियों के हाथ में भी कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि हाई टाइड की चेतावनी देर रात की दी गई है। और अब जरा हिंद माता इलाके भी चलना चाहूंगा मैं, वहां पर हमारे साथ कृष्णा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिंद माता में क्या स्थिति है कृष्णा, बारिश वहां भी हो रही है? मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर स्थिति इस वक्त जो है फिलहाल सामान्य है, क्योंकि चूंकि ये निचला इलाका है और कई सारे पंपिंग जो मशीन्स है वो लगाए गए हैं, इसके लिए यहाँ पर जो है
जल जमाव की स्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 6 से 7 बजे का समय अमूमन यह समय होता है जब लोग ऑफिसों से अपने घर के लिए निकलते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से सुबह से ही जो यातायात है वो पूरी तरीके से प्रभावित थी, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, लेकिन जो लोग अपने ऑफिस पहुंच गए थे वो अब धीरे धीरे कर निकलना शुरू हो रहे हैं। इसीलिए जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ता जाएगा और एक बार फिर से जो बारिश है उसकी गति तेज हो गई है, इस कारण से आने वाले समय में कम से कम 1 से 2 घंटे का ये कहा जाता है कि ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन इस बारिश ने फिर एक बार ये साबित कर दिया कि सरकार चाहे कितने भी वादे करे, जो सभी वादे हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, करोड़ों रुपए का फंड होता है, लेकिन सवाल यही कि हर साल वो पैसा जाता कहां है। आधे हिंदुस्तान की अगर मैं बात कर लूं तो यहां कुदरत का क्रोध नजर आ रहा है। लोग बेबस हैं, पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत इंसानों पर कहर बनकर टूट रही है। कहीं बारिश ने बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी, कहीं नदियों में इतना पानी भर गया कि इलाके पानी में डूबे हुए दिख रहे हैं। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की आशंका के चलते फिलहाल चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है और स्थिति तो यह है कि मानो कुदरत ने कर्फ्यू लगा दिया हो। आसमान से बरस रही आफत के आगे इन दिनों इंसान बेबस और लाचार महसूस कर रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि आधे हिंदुस्तान में बारिश से हालात बद से बदतर हो चले हैं, जिंदगी ठहर सी गई है। बादलों का क्रोध इंसानी बस्ती में कहर बनकर टूट रहा है। बारिश सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। देश भर के अलग अलग राज्यों से सामने आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे बारिश के प्रचंड प्रहार से आधा हिंदुस्तान त्राहिमाम कर रहा। चंद दिनों पहले तक भयंकर गर्मी और सूखे की मार झेल रहा देश अब कुदरत के क्रोध के आगे बेबस और लाचार है। उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक हो रही बारिश ने सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के ही निशान छोड़े हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश तबाही मचा रही, लैंडस्लाइड और बरसाती नालों ने विकराल रूप ले लिया है। गढ़वाल मंडल में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए चार धाम यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। तस्वीरें अल्मोड़ा के भतरौज खान इलाके की हैं, जहां देखते ही देखते रानीखेत रामनगर को जोड़ने वाला पुल बरसाती नाले की भेंट चढ़ गया। हल्द्वानी में बीते 3 दिन से हो रही बारिश से हालात खराब हो चुके हैं। गोला नदी उफान पर है। लाल कुआं के पास एक कार पानी में बह गई, जिसे बमुश्किल लोगों ने बाहर निकाला। ट्रेन की पटरियां पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं, जिससे रेल यातायात फिलहाल ठप पड़ा है। पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी बारिश से लोग हलकान हैं। बीते साल बारिश ने पूरे प्रदेश में ऐसा कोहराम मचाया था जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। मंडी में लगातार हो रही बारिश से व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों को नदी किनारे नहीं जाने की हिदायत दी गई है। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। निचले इलाकों में रह रहे लोगों के घरों में पानी भर चुका है। कई दर्जन गांव ऐसे हैं जो टापू बन गए हैं। मुरादाबाद में रामगंगा नदी ने किसानों की कई एकड़ फसल को अपने आगोश में ले लिया। किसान लाचार हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। हम इस वक्त मुरादाबाद में हैं और ये मुरादाबाद की रामगंगा नदी है, जिसमें पूरा जल स्तर जो है भरा हुआ है और बढ़ता ही चला जा रहा है। और आसपास के जो लोग हैं किसान, उनको खासी परेशानी हो रही है। अपने पशुओं के लिए चारा लाने के लिए कश्ती का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ कुछ किसान हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? राम प्यारी। क्या ला रही हैं इसमें छबड़े में, सब्जी? हाँ, सब्जी है। अच्छा, कितनी परेशानी हो रही है बरसात की वजह से? बहुत परेशानी है। तमाम निरे चीज गारा, निरे तमाम खूब वो भी लगा, सी से उसे तमाम। और
आप बताइए, चारा ला रहे हैं पशुओं के लिए, कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, अगर नहीं लाएं तो सब खर्चे से तरस रहे हैं। तमाम बिच्छू कीड़ों का डर है पार में। तो जान का भी खतरा लगा रहता होगा जब इतना बाढ़ का पानी जो है नदी में आया हुआ है। जान का भी खतरा लगा रहता है, पानी कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। पीलीभीत में तो भारी बारिश में रेलवे ट्रैक की पुलिया ही पानी में बह गई। प्रमुख मार्गों से पीलीभीत का संपर्क कट चुका है। बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी भी खतरे के निशान पर बह रही है। शनिवार को कोसी बैराज से 3 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिससे नदी का जल स्तर रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है और आसपास के इलाकों में खतरा मंडराने लगा है। क्या पहाड़, क्या मैदान, फिलहाल सब इस सैलाब के आगे बेबस हैं। कुदरत के क्रोध से राहत कब और कैसे मिलेगी, इस पर मौसम विभाग भी साफ साफ कुछ नहीं कह पा रहा, क्योंकि मॉनसून की ये बस अभी शुरुआत भर है। बिहार के गोपालगंज सहित पूर्वी चंपारण जिले में भी बारिश और बाढ़ से बहुत बुरे हालात हैं। गोपालगंज में तो गंडक का पानी गांव को डुबाने भी लगा है। निधि श्री मेरी सहयोगी यहां पर मौजूद हैं, उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा। उधर ब्रह्मपुत्र के बाढ़ से भी लोग बेहाल हो रहे हैं। पूर्वोत्तर और सबसे ज्यादा असम, यहां दर्जन भर से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं। असम के काजीरंगा में रविकांत मौजूद है हमारे सहयोगी। रविकांत, वहां तो जो बेबस जानवर हैं, मूक जानवर, उनकी भी स्थिति बहुत भयावह हो गई होगी। देखिए अखिलेश, इस समय हम काजीरंगा के उस भीतरी इलाके में हैं जहां से मेरे ठीक पीछे पानी ही पानी है और बीच में टापू में मैं इस समय गैंडे देख सकता हूं, राइनो और उसके अलावा कई सारे और जानवर हैं जो मैं देख पा रहा हूं। साथ में हमारे इस समय काजीरंगा नेशनल पार्क की जो डायरेक्टर हैं सोनाली घोष, वो मौजूद हैं। मैडम, यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क में कितने जानवरों की मौत इस बार हुई है इस बाढ़ में? जी, इस बार हमारा जो है प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा रहा है, तो हम लोग ने जो मॉर्टिलिटी है उसको काफ़ी कम करके आज तक जो रिपोर्ट हुआ है 137 हुआ है और 92 लेकिन हमने रेस्क्यू भी किया है, जिसमें से करीब 50-52 हम लोग जो है रिलीज कर पाए हैं वापस ट्रीटमेंट के बाद। 137 जानवर मरे हैं, इसमें कौन कौन से? मैक्सिमम इसमें आपके जो छोटे आपके जो साइज के जो हॉक डियर जिसको कहते हैं, पाड़ा जिसको कहते हैं, वो है, क्योंकि ये बाढ़ के चपेट में आके ये ड्राउनिंग केस के ज्यादा केसेस हैं। हमारे पास अभी तक 6 राइनो डेथ की भी रिपोर्ट है लेकिन हमने 2 रेस्क्यू भी किए हैं। तो कुल कितने जानवर यहाँ पर हैं और कितनी बड़ी चुनौती बनी हुई है ये बाढ़ आपके लिए? जी, ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि ये बाढ़ मुझे लग रहा है पिछले 4 साल के बाद एक बड़ी बाढ़ के रूप में आई है और हमारे पास आप लोग जानते हैं कि 70% जो पूरा वर्ल्ड का जो राइनो का पॉपुलेशन है वो काजीरंगा में है। 90% वर्ल्ड हेरिटेज भी है, ये वर्ल्ड हेरिटेज भी है। यहाँ पे आपके 90% जो है वर्ल्ड के वाइल्ड बफेलो है, स्वॉम डियर है, टाइगर्स है, एलिफेंट्स है। कितने टाइगर्स हैं यहाँ पे? 104 टाइगर्स हमने पिछले बार काउंट किए थे और 1200 करीब एलिफेंट काउंट किए हैं और हमारे करीब 3000 से हमारे वाइल्ड बफेलो। टाइगर्स को भी खतरा है यहाँ बाढ़ से? जी, टाइगर्स भी यहाँ से मूव करते हैं। इनफैक्ट हमारे जो है काफी अलग अलग जगह में, ये पूरा जो काजीरंगा है ये करीब 1300 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरीके से जानवरों को भी खतरा है लेकिन चुनौती बड़ी है, बड़ा नुकसान हुआ है, प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। गोपालगंज भी चलते हैं, वहां पर निधि श्री हमारी सहयोगी मौजूद हैं। गंडक की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही, कई गांव में गंडक का पानी घुस गया है और निधि, गंडक नदी को तो बिहार का शोक कहा भी जाता है, अभी क्या और जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, गंडक नदी उफान पर है अखिलेश। ये तस्वीर मैं आपको गंडक नदी की दिखा रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल उसी के गोद में हूँ और ये जो निचला इलाका है इस इलाके में सबसे पहले पानी भरता है। कल के डेट की मैं बात करूँ तो बीते दिन 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, रिलीज किया गया है वाल्मीकि नगर बराज से, और चूंकि वाल्मीकि नगर बराज से जब पानी रिलीज हुआ तो अगले 24 घंटे में इस इलाके में आता है और यही वजह है कि इन सब घरों में पानी घुस गया है। मेरे हाथ में ये लिस्ट है, मैं आपको बता दूं कि ये लिस्ट इस पंचायत की है और पंचायत स्तर पर बाढ़ राहत जिन लोगों को मिले उनके लिए लिस्ट तैयार किया गया है पंचायत स्तर की तरफ से। अब मैं आपको उन घरों में ले चलती हूँ। मेरे सहयोगी
राजेंद्र से कहूंगी कि जरा आगे की तरफ आए, जिन घरों में पानी आया है कल से उन घरों की हालत क्या है। ये चूंकि निचला इलाका, एक बार फिर से मैं बता दूं, बारिश हुई नेपाल में, हालांकि अभी बारिश नेपाल में थमी हुई है और कल जो क्यूसेक पानी छोड़ा गया जितना, उसकी तस्वीर ये है, ये उदाहरण है। अब लोग कैसे रह रहे हैं, किस तरीके से लोग खाना बना रहे हैं, ये भी एक तस्वीर में दिखाऊंगी। ये ट्रॉली दिखाइए सबसे पहले, ट्रॉली, ये जो ट्रॉली आप देख रहे हैं दरअसल यही अगले कुछ महीनों तक यहाँ के लोगों का आसरा होगा, कह लीजिए यहीं पर लोग रहेंगे, गुजारा करेंगे। अब यहाँ खाना बन रहा है खुली छत के नीचे, क्या बन रहा है, अरे बताइए। चीनी में डाल के रोटी, सब्जी और बाकी खाना नहीं है, यही खाएंगे आप लोग? हाँ। कितने दिन ऐसे रहेंगे आप लोग? जितना दिन पानी रहते उतना दिन हम सका कर, अब देखा जा पानी कब तक रही। तो ये तस्वीर है। अब दूसरे घर की तरफ मैं कहूंगी कि राजेंद्र एक बार आइए और ये दिखाइए कि इन घरों में जब पानी घुसता है तो किस तरीके से, चूंकि इस इलाके में बाकायदा अनाउंस करके कहा गया है कि आप अपने अपने घर को सुरक्षित जगह पर चले जाए, लेकिन जिनके पास साधन है, जो जा सकते हैं वो गए हैं, जो नहीं गए हैं उनकी तस्वीर ये है। ये मचान कहते हैं, अखिलेश आप समझते होंगे, गांव में इस तरीके से बना होता है और इसी पर खाना राशन का सामान सभी इसी तरीके से रखा हुआ है। और ये तस्वीर लगभग गोपालगंज कह लीजिए, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर या बेतिया, मोतिहारी, इस आसपास के इलाके में यही तस्वीर अगले कुछ महीनों तक रहने वाली है। शुरुआत हुई है, जुलाई का महीना बचा हुआ है, पूरा अगस्त का महीना, और ज्यादा जब बारिश होगी पता नहीं तब क्या होगा। बहुत जरूरी है कि प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे और जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं जहां तक उन तक सुविधाएं पहुंचाई जाए। शुक्रिया निधि जानकारी के लिए आपका, रविकांत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।